नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में एनएसयूआई नेता के साथ 2 दर्जन युवा नेता गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा में एनएसयूआई नेता शुभम सिंह चंदेल के नेतृत्व में 2 दर्जन के करीब युवा नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय नहीं होगा, शुभम सिंह के पूर्व अनूप सिंह चंदेल व एनएसयूआई के अन्य नेताओं को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी पर शुभम सिंह चंदेल ने 24 अप्रैल को घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमंत्री जी को बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट करने का निर्णय लिया था। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूनरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। जी मानवर, आपको बताना चाहूँगा रीवा संभाग की ओर से राजीव तिवारी का सादर नमस्कार। स्वीकार करें इंडिया न्यूज 28 के समस्त व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। आपको एक बड़ी ब्रेकिंग बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के द्वारा कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है। युवा नेता गिरफ्तार किए गए हैं, कांग्रेस के युवा नेता शुभम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताना चाहूँगा पूर्व में भी कांग्रेस के नेता युवा नेता अनूप सिंह चंदेल की गिरफ्तारी हुई थी, आज शुभम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुभम सिंह युवा नेता है और शुभम सिंह ने ये प्लान किया था कि प्रधानमंत्री महोदय को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भेंट करने के लिए कई युवा एकत्र थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मान्यवर, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से रीवा शहर नमोमय हो चुका है। हर जगह मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्लोगन से लिखा हुआ है। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भी पोस्टर लगे हुए हैं। पूरा शहर नमोमय हो चुका है और जय हो मोदी, हर हर मोदी के नारों से रीवा शहर गूंज रहा है। और ऐसे में कांग्रेस नेता ने एक प्रयास किया था मोदी जी से मिलने का और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भेंट करने की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी पुलिस को पूर्व से हो गई थी और पुलिस ने युवा कांग्रेस नेता शुभम सिंह चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बताना चाहूँगा युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता शुभम सिंह चंदेल को पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता शुभम सिंह चंदेल अनूप सिंह के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी कांग्रेस नेता की हो रही है। नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी सजग थी और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेतागण मोदी जी से व्यक्तिगत मुलाकात करना चाह रहे थे, जिसमें पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कांग्रेस के युवा नेता शुभम सिंह चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। मान्यवर, आपको बताना चाहूँगा मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के द्वारा ये नारेबाजी की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, किसानों की जिंदाबाद और अन्य कई तरह के स्लोगन गाए जा रहे थे, कहे जा रहे थे। युवाओं को एकत्र किया गया था और बलवा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए युवा नेता को गिरफ्तार कर लिया है और युवा नेता के साथ साथ कई अन्य कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है। मामले का खुलासा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है और एक बड़ा नेता जिसके अंडर में युवा वर्ग था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वह भीड़ एकत्र हो चुकी थी, जिससे ये गिरफ्तारी हुई है। मान्यवर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।